दर्शन नगर में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में मैं पोस्ट था। मैंने पूरा कोविड दोनों फेज जो है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों कोविड का मैंने वहां पर काम किया, अच्छे से किया, और मैंने देखा है कि लोग कैसे मरते हैं। न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव होने में चंद दिन शेष बचे हैं और इसी दौरान सोशल मीडिया को पाटा जा रहा है कि इस समय जो लोगों ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को लगवाया था उसका दुष्परिणाम हो रहा है, लोगों का हार्ट फेल हो जा रहा है और लोगों की मौत हो जा रही है, ऐसा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। तो आज हमारे साथ में फैजाबाद अयोध्या के शिवा हॉस्पिटल के आप प्रोपराइटर डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हैं। आप वरिष्ठ परामर्शदाता हैं और नियावा मछली मंडी के बगल में आपका शिवा हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल है। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं उसकी जो है सत्यता क्या है, हकीकत क्या है? क्योंकि जब इस समय हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे भैया पूछते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन लगने से लोगों की मौत हो रही है और लोगों का हार्ट फेल हो जा रहा है, लोगों की हृदय गति रुक जाने से मौत हो जा रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया और इस तरह की जो भ्रामक खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं जी, इसको आपने संज्ञान में लिया, लोगों ने आपसे पूछा और आपको ये विचार आया कि आप इस चीज को हमसे डिस्कस करें जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जब उस समय जो है कोरोना की महामारी चल रही थी तो आपने पूरी मेहनत से कोरोना का जो है उसमें कोई भी अपने जान की परवाह ना करते हुए लोगों को सेवा दिया और आप जी जान से जुटे रहे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है क्या उसका जो दुष्परिणाम की खबरें वायरल हो रही हैं उसकी जो है सत्यता क्या है, जरा बताइएगा जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने कोविड में काम किया पूरा, उसमें दर्शन नगर में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में मैं पोस्ट था। मैंने पूरा कोविड दोनों फेज जो है, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज दोनों कोविड का मैंने वहाँ पर काम किया, अच्छे से किया, और मैंने देखा है कि लोग कैसे मरते हैं, कोविड ने लोगों को कैसे मारा है। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि उन्होंने इतना सुचारू तरीके से प्रोग्राम चलवाया और कोविड वैक्सीन जन सामान्य को लगवाया। जो भ्रांतियां हैं उस पर अगर हम बात करें तो जनमानस में जो हमारे राजनीति में लोग हैं, मैं राजनीति से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी राजनीति में जो जिम्मेदार पदों पर लोग हैं उन्हें इस तरह की भ्रामक जानकारियां देने से बचना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने आपसे सवाल किया है कोविशील्ड वैक्सीन से कि आप ब्लड में क्लॉट हो जा रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसी तरह से तमाम पेशेंट मेरे पास भी आए हैं। कम से कम 15-20 पेशेंट जो हैं ऐसे आए जो इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने जब तक ECG नहीं करवा लिया तब तक वो रुके ही नहीं। तो हमारे लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमारी ECG कर दीजिए। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको मैंने दवाएं दी, डिप्रेशन फेज से गुजरे, ECG करके दिखाया भैया नहीं सही है ठीक है। रही बात कोविशील्ड की, तो कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी ड्रग हो, उसके अपने कुछ अनअवॉइडेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो बात आज मीडिया में फैलाई जा रही है कि एस्ट्राजेनिका ने ऐसा कहा, एस्ट्राजेनिका कंपनी ने कोविशील्ड को लेकर ये बात 2021 में ही कह दी थी कि भाई कोविशील्ड वैक्सीन के ये मिनिमम हैं साइड इफेक्ट, जैसे कि, और वो साइड इफेक्ट बहुत रेयर हैं। जैसे अगर 10 लाख लोगों को हम कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएं तो उनमें से लगभग 4 पब्लिक में, मतलब 0.0004%, तो 10 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लगती है तो 10 लाख में से 4 लोग ही ऐसे होंगे, उनमें भी संभावना है कि क्लॉट हो सकता है, ये संभावना है, 100% नहीं उनको भी हो। तो 10 लाख लोगों में 4 लोगों को अगर संभावना है तो एक रिस्क है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोरोना वायरस अगर 10 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें से 1,65,000 लगभग 16% लोगों के मरने की संभावना है। तो अगर हम रिस्क और बेनिफिट की बात करें तो वैक्सीन लगाना हमारे लिए पार बेटर है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा, और इस वैक्सीन की वजह से काफ़ी लोगों की जान हम लोगों ने बचाई है। और अगर वैक्सीन ना लगती तो इतनी मौतें होती जिसका हम हिसाब भी शायद ना लगा पाते, क्योंकि मैंने देखा है मेडिकल कॉलेज में
कोविड में हम लोग भी कैसे मजबूर हो जाते थे, हमारे सामने मरीज तड़पता रहता था, हम बचा नहीं पाते थे। लेकिन कोरोना की जो भी वैक्सीन्स आई, उन वैक्सीन्स ने बहुत मदद किया है लोगों का। और आज जो ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, उससे कहीं ज्यादा डेथ तो सिगरेट स्मोकिंग से लोगों को हो रही है, उस पर तो किसी का बयान नहीं आ रहा है। सिगरेट स्मोकिंग से मरने वालों की संख्या, तो मतलब मरने से मतलब मेरा है कि ब्लड क्लाट, जो क्लाट जमा होता है, क्लाट की संख्या लगभग मान के चलिए अगर 1700-1800 लोगों में जाएगी। अगर 10 लाख लोगों को सिगरेट स्मोकिंग का है तो उसमें क्लाट जो जमते हैं, उस क्लाट लगभग 1700 से लेकर 1800 तक का जाता है। तो सिगरेट स्मोकिंग को लेकर तो नहीं कोई इस तरह से अफवाह फैला रहा है, या फिर हम रोड पर चलते हैं, रोड एक्सीडेंट भी इस तरह के होते हैं, उस पर तो नहीं अफवाह कोई फैला जा रहा। एक कोविशील्ड वैक्सीन ने इतने लोगों की जान बचाई, भाई अगर हम इतने लोगों की जान बचा रहे हैं एक वैक्सीन से, 2-4 कंप्रोमाइज वो भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि वो मरेंगे ही या उनमें क्लॉट बनेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेयर साइड इफेक्ट्स है, आ सकते हैं। 10 लाख लोगों में अगर 2-4 लोगों के ऐसे साइड इफेक्ट होने की संभावना है, और हम एक तरफ हम लगभग 1,65,000 लोगों की जान बचा ले रहे हैं, ये संभावना है, तो बेहतर है कि हम वैक्सीन लोगों को लगवाएं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी भ्रामक स्थितियों से बचें, ऐसे न्यूज़ को ना देखें जिसमें आपको लोग इस तरह से समझा रहे हैं कि भाई नहीं, आपको कोविड वैक्सीन लग गई, मैंने भी कोविड वैक्सीन लगवाई है जी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मेरे साथ के तमाम लोगों ने लगवाई है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कोविड शील्ड वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है। 2-4% के जो रिस्क है, वो रिस्क लेके कोई जीवन जीता है, तो जीवन जिए, मुस्कुरा के जिए, खुश रह के जिए, अच्छे से जिए। जितना मस्त रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। इस चीज को इतना दिल पे ना ले लें कि आपकी रातों की नींद हराम हो जाए। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हैं, और आपका जो है फैजाबाद में सिवाय हॉस्पिटल के नाम से अपना खुद का जो अस्पताल है, अगर किसी को संभावना हो, शंका हो, तो आप जाकर सिवाय हॉस्पिटल में आप सुबह और शाम में आपसे संपर्क करके अपने शंका को, समाधान को जो है दूर कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया, क्योंकि आपने जो है कोरोना की महामारी को बिल्कुल जो नजदीक से देखा है, और आपने लोगों का उपचार किया है बिना अपनी जान की परवाह करते हुए, इसलिए लोग, और इसीलिए आदि काल से कहा जा रहा है कि चिकित्सक जो है ईश्वर का रूप होता है, और आपने उसी अपने पद की जिम्मेदारी का निर्वाह किया। तो जैसे कि डॉक्टर साहब, अगर अब भी लोगों के मन में थोड़ा बहुत शंका हो, क्योंकि जब लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें ऐसा लोगों को जो है डीमोटिवेट कर दिया जाता है, उनके मन में डर सा समझ आता है, तो जरा आप उन लोगों के बारे में कुछ आप जो एक संदेश दीजिए। जी, हमारा संदेश यही है, कभी भी मेडिकल से संबंधित कोई भी सूचना आप तक आती है, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आए, या न्यूज़पेपर के प्लेटफॉर्म से आए, या फिर टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से आए, जहां से भी ये सूचना आए, तो कभी भी आप डिसीजन लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। क्योंकि जो व्यक्ति मेडिसिन का माँ भी नहीं जानता है, वो व्यक्ति इतनी बड़ी भ्रामक जानकारी या इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ कैसे सोशल मीडिया पर इस बात को बोल सकता है कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से लोगों में क्लॉट जम रहे हैं, लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। हार्ट अटैक होने के तमाम कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोविशील्ड से ही हो रहा हो। तो एक बार जब अगर आपको ज्यादा परेशानी होने लगे, तो एक बार डॉक्टर से सलाह, नियर बाई में जो भी आपके डॉक्टर हो, एक बार सलाह जरूर ले लें डॉक्टर से। ठीक है, आपने बहुत जो अच्छी जानकारी दिया। और दोस्तों, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और आप लोगों को सोचना चाहिए कि चुनाव के दौरान ऐसा सोशल मीडिया को पाटा जा रहा है कोविशील्ड वैक्सीन के चलते, तो ये भी एक जो है गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो वायरल हो रहा है चुनाव के दौरान वायरल हो रहा है, हो सकता है इसमें कोई मामला हो। 2021 जी। चलिए ठीक है, हम अभी जो है इस पर स्क्रीन पर आपका डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी का, जो जिसका सिवा हॉस्पिटल है, हम आपका स्क्रीन पर नंबर डाल देंगे। कोई भी अगर आपको शंका हो, आशंका हो, तो आप फोन से संपर्क करके आप सीधा जाकर आपसे परामर्श ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वार्ता किया और आपने हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दिया, और आपने उनके डर को दूर किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।